हेलो डियर स्टूडेंट, आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो करंट अफेयर्स के तीन एलएस के टॉपिक हैं। तो इनमें जो हमारे टॉपिक की लिस्ट, मैं सबसे पहले आपको करता हूँ टॉपिक की लिस्ट देता हूँ। तो इनमें टॉपिक की लिस्ट है वो कड़कनाथ चिकन पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है मुख्यमंत्री युवा रेस्टम, तीसरा टॉपिक है रुस्तम सेकेंड, और चौथा टॉपिक है स्वच्छमेव जयते, और पाँचवा टॉपिक है वो जौन के दारी। ठीक है, इनके हम सबके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो पहला है कड़कनाथ चिकन। ठीक है, तो पहला टॉपिक है कड़कनाथ चिकन। एक्चुअली ये न्यूज में क्यों है कड़कनाथ चिकन? एमपी में कड़कनाथ चिकन नाम का एक शॉप है, उसके उस चिकन को जीआई टैग 2018 में दिया गया, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया उसमें। तो जीआई टैग है वो डब्ल्यूटीओ द्वारा दिया जाता है और एग्रीमेंट उसके द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, कड़कनाथ चिकन। ठीक है, तो कड़कनाथ चिकन क्या है? मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का झाबुआ नामक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसे जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग दिया गया, यानी वो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग इसको दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कड़कनाथ चिकन से पहले पूछेगा कड़कनाथ चिकन को जीआई टैग दिया गया है वो किस राज्य का है। ठीक है, वो मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश में भी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, तो ये जो चिकन है वो प्रोटीन रिच है। ठीक है, जो चिकन है वो है वो प्रोटीन रिच है, है ना, और ये ब्लैक कलर का है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, कड़कनाथ चिकन क्यों न्यूज में है? क्योंकि ये एमपी का है और ये एमपी में भी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में इसे जीआई टैग दिया गया है, और ये क्या है, ये प्रोटीन रिच है और ये ब्लैक है। ठीक है, तो सिंपल से है क्वेश्चन, बन सकता है कि जीआई टैग का क्या मतलब है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का मतलब होता है कि उस ब्रांड से अब कहीं भी वर्ल्ड में कोई भी शॉप नहीं खोल सकता, यानी कड़कनाथ चिकन के नाम से कोई भी कोई दुकान या कोई भी शॉप या कोई भी मार्केटिंग नहीं कर सकता। और ये इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसके द्वारा ही निर्धारित होता है कि किसको दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है? इंडियन गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से डब्ल्यूटीओ के एक स्ट्रिप एग्रीमेंट उसके माध्यम से ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये था कड़कनाथ चिकन। ओके, ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, नेक्स्ट है मुख्य मंत्री युवा नेस्तम स्कीम। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा नेस्तम ये है क्या एक्चुअली? ठीक है, ये मुख्यमंत्री नेस्तम इज ए स्कीम, ये एक स्कीम है। ठीक है, किसकी है ये? ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की है। तो मुख्यमंत्री युवा नेस्तम स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि हर मंथ प्रत्येक महीने 1,000 रुपी पर मंथ, ठीक है, हर युवा को भारत आंध्र प्रदेश सरकार देगी जिनकी उम्र
22 वर्ष से 35 वर्ष, ठीक है, ईयर है, ये बात रखना है। अब देखना मुख्यमंत्री युवा नेस्तम क्या है, ये एक स्कीम है, किसने शुरू की है, मध्य प्रदेश सॉरी आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है, इसके अंतर्गत है क्या, इसके लिए ₹1,000 पर मंथ युवाओं को प्रदान किया जाएगा एक रोजगारी भत्ता के रूप में, और किस उम्र के लोगों को, जिनकी उम्र 22 से 35 वर्ष है। क्वेश्चन ये बनेगा कि सभी युवाओं को, तो ध्यान रखना इसमें सभी युवा नहीं है, ओनली 22-35। क्वेश्चन बन सकता है दैट इज ओनली फॉर मेल या ओनली फॉर वीमेन या ओनली फॉर ST/SC/OBC, ऐसा कुछ नहीं है। युवा यानी जितने भी यूथ हैं वो सभी के लिए, ठीक है, उसमें ना कोई एरिया का डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई क्लास का डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन है। सभी युवाओं को जिनकी उम्र 22 से 35 वर्ष तक है, आंध्र प्रदेश सरकार ₹1,000 पर मंथ रोजगारी भत्ता उपलब्ध कराएगी। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन ये बन सकता है किस राज्य में शुरू की गई और कितना पैसा देगी सरकार और किन लोगों को देगी, सबसे बड़ी बात है, घुमाएगा तो यही क्योंकि लोगों को देगी। तो युवा तो युवा होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यूथ का मतलब यूथ है, ठीक है, यूथ का मतलब एक एज से होता है, ऐसा नहीं है कि भाई ये देखो ओनली फॉर गर्ल्स ओनली फॉर मेल या फीमेल, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट है रुस्तम सेकंड। ओके, रुस्तम सेकंड क्या है, रुस्तम सेकंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी इससे बिना पायलट का एक वायुयान, यानी जिसमें कोई भी पायलट नहीं होगा। भारत यानी जो DRDO वो पहले बना चुका है रुस्तम फर्स्ट, ये रुस्तम सेकंड है। तो क्या है ये, ओके, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी उसको बोलते हैं UAV, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी इसमें कोई भी पायलट नहीं है। इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है DRDO ने। अभी कहां पर इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है। और ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ रुस्तम सेकंड, इसका यूज है सर्विलांस के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी सर्विलांस तो क्या होता है कि जासूसी के लिए, यानी गुप्त सूचना के लिए। तो ये ध्यान रखना है रुस्तम सेकंड इज ए अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV विदाउट पायलट फ्लाई, ठीक है, बिना पायलट के फ्लाई या फ्लाइट या प्लेन। किसने बनाया है ये, DRDO ने बनाया है। कहाँ बनाया जा रहा है, कर्नाटक में बनाया जा रहा है। इसका यूज क्या है, इसका यूज है यूज फॉर द सर्विलांस यानी गुप्त सूचना गुप्तचरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये था UAV थर्ड टॉपिक यानी रुस्तम। तो पूछ सकता है कि रुस्तम किसने बनाया, DRDO ने, इसरो ने या किसने, तो रुस्तम एक तरह से अनमैन्ड व्हीकल है। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक है आपका स्वच्छमेव जयते, ठीक है, स्वच्छ, हाँ,
स्वच्छमेव जयते। स्वच्छमेव जयते इज एक कंपेनिंग है। कहां पर ये शुरू किया गया है? कर्नाटका में शुरू की है। कहां पर? रूरल एरिया में। स्वच्छमेव जयते कर्नाटका में रूरल एरिया में शुरू किया गया है। किसके लिए? अवेयरनेस फॉर द क्लीननेस। ठीक है, कर्नाटका में कर्नाटका में शुरू किया गया है। कहां पर? रूरल एरिया में, यानी रूरल एरिया है, ग्रामीण भारत, वहां पर शुरू किया है। किसके लिए? अवेयरनेस फॉर क्लीननेस। ठीक है, यानी जो क्लीननेस है उसके लिए, स्वच्छता के। और ये जो कार्यक्रम है वो किसका पार्ट है? ये पार्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। ध्यान रखना है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, ये ध्यान रखना है। और देखो स्वच्छमेव जयते सीधे पूछेगा स्वच्छमेव जयते क्या है, तो स्वच्छमेव जयते एक कंपेनिंग है, एक तरह से अभियान है या जागरूक अभियान है। कहां चलाया गया? कर्नाटका में। किस एरिया में? रूरल एरिया में। किसके लिए चलाया गया? क्लीननेस यानी सफाई के लिए चलाया गया। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। ये भारत सरकार का कार्यक्रम है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, उसका ये पार्ट है। ठीक है।